दोस्तों, शरीर के बाकी हिस्सों की सफाई की तरह कान और नाक की सफाई भी बहुत जरूरी होती है। गर्मी और उमस की वजह से कान में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, इसलिए समय समय पर कान की सफाई होती रहना चाहिए। हालांकि लोग कान की सफाई की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते और हल्की सी भी खुजली होने पर खुद ही कान में तीली डालकर उसका इलाज कर लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कान के मैल व सफाई को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं व भ्रांतियां लोगों में हैं। तो आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। कान में वैक्स नहीं होना चाहिए, ये नुकसानदायक है। वास्तविकता ईयर वैक्स, जिसे सामान्य बोलचाल में मैल कहा जाता है, जो कान में कुदरती तरीके से बनता है और कई तरह से फायदेमंद होता है। ये धूल, मिट्टी और कण जैसे बाहरी अवयवों को कान में प्रवेश करने से रोकता है और ये कान को अधिक संक्रमण से बचाता भी है। रोजाना कान साफ करना चाहिए। वास्तविकता कान से वैक्स खुद ब खुद बाहर निकलता है। कभी कभी कान की गुहा पतली या टेढ़ी मेढ़ी होने पर ये अंदर ही रह जाता है या पानी जाने से फूल जाता है, तब व्यक्ति असहज महसूस करता है। ऐसे में उसे विशेषज्ञ की सलाह लेनी ही चाहिए। ईयरबड से करनी चाहिए कान की सफाई। वास्तविकता तीली या इस प्रकार की अन्य वस्तुएं वैक्स के केवल बाहरी सतही भाग को छू कर निकाल पाते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुख्य भाग को इसके और अंदर ढकेल देते हैं। कान के पर्दे के पास वैक्स के फंसने का मुख्य कारण इन चीजों का इस्तेमाल करना ही है। इन वस्तुओं से कान के पर्दे में चोट और संक्रमण का खतरा रहता है। गर्म तेल फायदेमंद होता है। दर्द होना, सुन्न होने आदि पर कान में गर्म तेल डालने से कान में फंगल इन्फेक्शन व अन्य समस्या पैदा हो सकती है। सड़कों पर कान साफ करने वालों को आप लोगों ने घूमते हुए देखा होगा, जो हाथ में सलाई पकड़कर कान की सफाई की बात करते हैं। इन लोगों से कान की सफाई कराना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ये लोग एक ही सलाई का इस्तेमाल कई लोगों के कानों में करते हैं, इससे भी इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। इसके साथ ही ये लोग कान के अंदर तक सलाई डालते हैं, जिससे कान के पर्दे फट भी सकते हैं। ऐसे कई केस अस्पताल में रोज आते हैं, जिनमें कान को गलत तरीके से सफाई के दौरान नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे कान के पर्दे फट जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको अपने कानों से जुड़ी ये जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बांटना ना भूलिए। आगे मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार।